अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूं यूपी के जनपद आजमगढ़ के दीवानी कचहरी में, जहां पर दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के चुनाव को लेकर यहां पर नामांकन का सिलसिला जारी है, प्रक्रिया जारी है, लोग नामांकन कर रहे हैं। हमारे साथ खबरों नजर चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद है वीरेंद्र कुमार यादव जी, जिन्होंने दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के लिए अध्यक्ष पद के लिए आपने नामांकन दाखिल किया है। तो अधिवक्ताओं की बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं दीवानी कचहरी के। तो अगर यहाँ की अधिवक्ताओं ने आपको अवसर दिया, मौका दिया, तो पहली प्राथमिकता क्या है? प्रथम प्राथमिकता यहाँ की, यहाँ अधिवक्ता समाज जो टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है उसको हम एक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ अधिवक्ताओं के प्राथमिक ये है कि उनसे पेंशन, बीमा या जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको बार काउंसिल से लेकर यहाँ तक उसको प्रिवेल कराने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी समस्या जो है टिन शेड की है, जो अधिवक्ताओं के बैठने के लिए बिल्कुल टिन शेड का टोटल जो है प्रयास जारी है, और हम चाहते हैं कि हमारे कार्यकाल में संपूर्ण अधिवक्ताओं किसी को टिन शेड की कोई कमी न पड़े। हम देख रहे हैं कि साइकिल स्टैंड नहीं है, लोग बाहर जो है सड़क के किनारे जो है साइकिल मोटरसाइकिल है करते हैं, लेकिन हम कोशिश यही करेंगे कि जजी मैदान में या कहीं भी इसकी व्यवस्था कर दी जाए। अभी तक तो एक व्यवस्था है कि अंदर से साइकिल मोटरसाइकिलें बाहर रखी जा रही है, लेकिन भविष्य में मालिक चाहेंगे तो पूरी व्यवस्था जो है स्टैंड की और साइकिल की कर दी जाएगी। ये थे वीरेंद्र कुमार यादव जी, जो दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है, जो खबरों नजर चैनल से बातचीत कर रहे थे। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी आजा। और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।